फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो देन डिस्टेंस कवर्ड. अब बताओ अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है तो क्या डिस्टेंस भी जीरो होगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है भी और नहीं भी. ऐसा कैसे बोल सकते हो सर? ऐसा बोल सकते हैं, मान लीजिए अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? सर उसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. तो मे और मे नॉट बी ज़ीरो, मे और मे नॉट बी ज़ीरो. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इज़ ज़ीरो देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी ज़ीरो. अगर डिस्टेंस ही आपने चला नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज, वॉट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड? लोकेशन ऑफ द पार्टिकल चेंज हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये पार्टिकल जो था ये यहाँ पर था इस डॉट पे, अब अचानक से ये यहाँ आ गया, तो इसकी लोकेशन चेंज हुई है. अब लोकेशन चेंज हुई है तो डिस्टेंस भी हुआ होगा. दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज़ द फाइनल पोजीशन वेक्टर. सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन लोकेशन वी कैन से दैट बोथ चेंजेस, डिस्टेंस भी चेंज हुआ होगा और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हुआ होगा, इसलिए बोथ कैन नॉट बी ज़ीरो. या तो एक ज़ीरो हो सकता था क्या? नहीं, दोनों ज़ीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, और ये भी बोल नहीं सकते हम. तो बोथ कैन नॉट बी ज़ीरो इज़ दी मोस्ट